हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, शराब का नाम सबने सुना है और शराब दुनिया के सभी देशों में पी जाती है। सभी को पता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग शराब को पीते हैं। तो दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब को पीने को लेकर अजीबोगरीब परंपराएं हैं। आज मैं आपको उन देशों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर शराब पीने की अजीबोगरीब परंपराएं हैं। और दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन से वो देश है जहाँ पर शराब को लेकर अजीबोगरीब परंपराएं हैं। दोस्तों, शराब पीने तक तो सीमित था, लेकिन शराब को लेकर अजीबोगरीब परंपराएं भी आजकल देशों में देखने को मिलती हैं, अलग अलग देशों में। तो उनके ही बारे में आज मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, भारत जो देश है, भारत देश में शादी की अलग अलग स्टेट में अपनी अपनी मान्यता हैं, तो वैसे ही मान्यता भी दूसरे देशों में भी है, जिनमें से नाइजीरिया एक ऐसा देश है। जी हाँ दोस्तों, नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर वाइन के बिना शादी कंप्लीट नहीं होती, यानी शादी को पूरा नहीं माना जाता वाइन के बिना। अगर आप शादी में वाइन लेकर नहीं जाते हैं तो शादी को मान्य नहीं माना जाता। जी हाँ दोस्तों, नाइजीरिया में क्या होता है, नाइजीरिया में शादी के समय दुल्हन को पिता एक कप में वाइन देता है, उसके बद लड़की शादी में आए मेहमानों के सामने अपने पति को गिलास में वाइन देती है। जब लड़की होने वाले पति को गिलास दे देती है वाइन का, तब शादी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और अगर लड़की वाले अगर शादी में वाइन लेके नहीं आए तो शादी पूरी नहीं मानी जाती। दोस्तों, कहीं पार्टी में लोग एक साथ जब शराब पीते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर वो गिलासों को टकरा के चीयर्स बोलते हैं। तो दोस्तों, हंगरी एक ऐसा देश है जहाँ पर चीयर्स बोलना अपराध माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आप चीयर्स नहीं बोल सकते। अगर आप चीयर्स बोलते हैं तो आपके ऊपर बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, इसके पीछे एक खास वजह है। वजह दोस्तों यह है, दरअसल 1849 में ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने हंगरी के कुछ क्रांतिकारियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो सैन्य अधिकारी हैं उनने गिलास को टकराते समय चीयर्स शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसे अच्छा नहीं मानते, इसलिए वहाँ पर ये एक क्राइम के बराबर है, आप हंगरी में चीयर्स शब्द का यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों। और दोस्तों, तीसरी तो ये बहुत ही अजीबोगरीब परंपरा है। दोस्तों, भारत में शादी होती है और शादी में जो दूल्हा होता है उसके जूते चुराने की एक रस्म होती है, जिसके बदले में दूल्हा पैसे देता है और उसे जूते वापस किए जाते हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन एक ऐसा देश है जहां पर दुल्हन की जूती चुराई जाती है। और दोस्तों, इसके बाद जूती चुराने वाला जो शख्स है वो शादी में आए लोगों को दुल्हन की जूती में शराब पीने के लिए कहता है। तो दोस्तों, ये तो बहुत अजीब परंपरा है, लेकिन यूक्रेन में ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो अजीबोगरीब परंपरा है शराब पीने को लेके। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।